नमस्कार फ्रेंड्स, मु शक्ति आपन देखुछंती नरसिंहा क्रिएशन स्पेशल। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा, जहाँकि आपण मैंने समस्ते जान रखा निहाती दरकार। तेज कौन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण मैंने जानवापी वीडियो को शेष पर्यटन देखु, जहाँद्वारा कि आपने डिटेल्स इनफर्मेसन पारे। फ्रेंड्स, तापूर्व यही भिडियो गोटे लाइक करूँ, जदि पार्टी आपंगसाथी को भिडियोट सेयार करनी। जदि फ्रेंड्स आपो चैनल नुआ ही भिडियो देखते पूर्व केवी आम चैनल को सब्सक्राइब करना, तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसवा बेल आइकन को बजाय रखता। तो फ्रेंड्स, नंबर वन रही ओडिशा 15,000 कोटी लुटिछंती पांड्यान। पाखापाखि 6 कंपानी में 15,000 कोटी टंका निवेश करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक व्यक्तिगत सचिव वीके पांड्यान। तालीरु ताल पर्यंत ओडिशार प्रत्येक योजनार कोटि कोटि टंका लुटि नै पांड्यान आपणा पांठी बढ़ाउथवा बेले केन्द्र सरकार एडी ताहा देखि परबा का कथा कहिबा। राज्य बीजेपी नेतामानकर कोनोसे अभियोग को प्रधानमंत्री मोदी किंबा स्वराज्य मंत्री अमित शाह विश्वास करूनाहांती। तबे केन्द्र कैबिनेटर ओडिशा नेता उपस्थित में अमित शाह मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो भाव में मुंडे बसई से राज्य बीजेपी स्थिति जमापड़गला। कांग्रेस कथा कौन कह, बुढ़ी घोड़ी बेकरे लाल लगाम पकाई रेस कोर्स दौड़े केवल लोकहसा हे। शरद पटनायक प्रथम पाली सभापति समय कांग्रेस को जो भाई मजबूत करते राज्यवासी आज पर्यंत भूली पारिना। द्वितीय पाली पारिबा पणिया 2024 देखा। सूचना था कि सेप्टेम्बर 2 तारीख कंधमाल जिला कांग्रेस कमिटी पक्ष बालीगुड़ा ठारे जिला कांग्रेस सभापति श्री अनाम नायक अध्यक्षतारे जनजागरण सभा अनुष्ठित हो जाए। बालीगुड़ा मेडिकल छक एक विशाल शोभायात्रा रे एआईसीसी प्रभारी डॉक्टर चेल्ला कुमार पीसीसी सभापति श्री शरद पटनायक राज्यर वरिष्ठ नेतृवृंद हजार हजार कर्मी सहित बालीगुड़ा सभागृह पर्यंत जाते। अधिका प्रवृत्ति खबर, कोहली क्रिकेटर नुहति जोतारे ऑटोग्राफ देवा ट्वीट करी कोहली क्रिकेटर नुहति बोली लेखिले नेपाली खेलाड़ी सोमपाल कमिंग। तबे गतकाली भारत टॉस जीति नेपाल को बैटिंग पाई आमंत्रण करिथिला। वर्षा बाधाप्राप्त मैच रे नवागत नेपाल को सहजरे हराई भारत एशिया कप रे ग्रुप ए रु द्वितीय दल भाव सुपर 4 रे प्रवेश करिछि। नेपाल प्रथमे बैटिंग करी 230 रन करिथा बेले भारत 10 विकेट रे नेपाल को परास्त करिछि। तबे डीएलएस हिसाब अनुसार भारत सम्मुखें संशोधित लक्ष्य 23 ओभर में 145 रन धार्य कर जवाब रोहित 69 बल्रु 74% रन और शुभमन गिल 62 बल्रु 67% रन का शतकीय भागीदारी बल में भारत 17 बल बड़का थी 10 विकेट में विजयी होता। अदेखा प्रवृत्ति खबर, बहिला रक्त नदी गड़ा मुंड कालहला परिवार मध्ये झगड़ा, बहिला रक्त नदी गड़ा मुंड। गंजाम जिला कवि सूर्यनगर पंकलबाड़ी गाँव में होता गंडगोल घटना चारजण को अटक रखा जाए। गतकाली दुई परिवार मध्यरे विवाद उग्र रूप नहीं गोष्ठी संघर्ष होवारु दुई जन मृत्यु होइछे। मृत हेले मिथुन भुइया और तांकर सळा लिपु स्वई। गंडगोल रे अपर पक्षर दुई जन आहत हुई एबे ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल रे चिकित्सित होउछंती। तबे पूर्व शत्रुता और राजनैतिक कलह यह गोष्ठी संघर्ष मुख्य कारण बोली कहुचे। सूचना अनुसार गतकाली संध्या मिथुन और लिपु बाइक रे घर को फेरुवा बेले सेमरक आतर्कित आक्रमण होता। 7-8 जन युवक आसी खंडार सेमरक आक्रमण करते। अधिकबार भारत जोड़ो जात्रा को बर्षाए देशर विद्वेष भाव दूर होगा जाए चलो भारत जोड़ा जात्रा। तबे भारत जोड़ जातार वार्षिक अवसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते भारत विद्वेष भाव दूर होगा जाए तथा भारत ऐक्य प्रतिष्ठा होगा जाए यह जात्रा चलो। गत वर्ष कन्याकुमारी काश्मीर प्राय 4,000 किलोमीटर भारत जोड़ जात्रा होता बेले यार व्यापक सफलता परिलक्षित होता। तबे राहुल कहते देशर उत्तम भविष्य लगी भारत जोड़ जात्रार स्वप्न साकार होछे। देशर ऐक्य प्रतिष्ठा दिगरे भी प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिला एही जात्रा। भारत रे संपूर्ण ऐक्य प्रतिष्ठा जाए यह जात्रा चलिबो यहा तांकर प्रतिज्ञा। यह दीर्घ जात्रा रे 12 साधारण सभा अनुष्ठित होता बेले 100 पथ पांत सभा और 13 सांबादिक सम्मेलन होता। यह सहित 375 रु अधिक भाव विनिमय कार्यक्रम होता। यह यात्रा बेले देशर विभिन्न राज्यर हजार हजार लोक सामिल होते। कमल हासन पूजा भट्ट रियाज सेन स्वरा भास्कर रश्मि देसाई आकांक्षा पुरी अमल पलेकर प्रमुख अभिनेता और अभिनेत्री सामिल होते। या सहित पूर्वतन सेनामुख्य दीपक कुमार पूर्वतन नौसेना अधिकारी एल रामदास पूर्वतन रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन पूर्वतन अर्थ सचिव अरविंद मायराम प्रमुख सामिल होते। या सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूर अब्दुल्ला ओमार अब्दुल्ला पीडीपी महबूबा मुफ्ती शिवसेनार आदित्य ठाकरे प्रियंका चतुर्वेदी संजय राउत
एनसीपी सुप्रिया सुले कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे प्रमुख सामिल होते खबर वरिष्ठ नागरिकों सामाजिक सुरक्षा को बल जगैब अवदान मिल एककालीन 50,000 टंका सहायता पर अलग रोकवा वरिष्ठ नागरिकों सामाजिक सुरक्षा दिगरे राज्य सरकार बढ़ाई सहायतार हाथ तबे वरिष्ठ नागरिकों कल्याण लक्ष्य गठन होता वरिष्ठ नागरिक संघ एवं वर्गर स्वयं सहायक गोष्ठी को अवदान योजना अधीन सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे तबे यही अर्थ से निजर सदस्य मान समस्या समाधान दिगरे मिलित प्रयास करेंगे सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण SSEPD विभाग पक्ष संपृक्त संघ को एककालीन 50,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करमें प्रत्येक जिले में रही पंजीकृत वृद्ध संघ वरिष्ठ नागरिक संघ एवं स्वयं सहायक गोष्ठी बरणी प्रदान करने लगी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी विभाग पक्षर् निर्देश दि जाए खबर मोदी तैयारी करछंती ब्रह्मास्त्र विशेष अधिवेशन रे पुणी समस्त को चकित करदेवे कि मोदी सरकार जागतिक जनगणना को काटवा लगी तैयारी हो ब्रह्मास्त्र जोदिन ठार संसद विशेष अधिवेशन लगी घोषणा करवाठू यह राजनैतिक स्तर में विभिन्न अटक जारी रही तेज 2024 निर्वाचन में क्षमताधारी NDA सरकार विरोधी इंडिया मेट को किपरी कड़ा जवाब देवे से लगे विभिन्न रणकौशल आरंभ कर जो सब प्रसंग उपर अधिक चर्चा होतीमें रही एक देश एक निर्वाचन महिला संरक्षण और UCC बिल किंतु एसबू मध्य चर्चा सबुठ प्रमुख विषय होन्य पछुआ वर्गों विभागीकरण संबंध में विचारपति रोहिणी आयोगों एक रिपोर्ट कहुच सरकार यह संसदर विशेष अधिवेशन में उपस्थापन करेंगे जुलाई में कमिशन एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अर्पण करते जातिगत जनगणनार चाप सरकार बढ़िवार लगी विरोधी यह प्रसंग को काटवा लगी सरकार कौन से अस्त्र ना तेणु जिते शीघ्र सरकार चाहते रोहिणी कमिशन रिपोर्ट उपसद वितर्क करने को यह प्रसंगे विरोधी मुह बंद करने को सरकार प्रस्तुत होती खबर आज भी प्रबल बर्षिव आज भी प्रबल बर्षिव एसबु जिला सतर्क सूचना लघुचाप प्रभाव में गत किछि दिन धरी राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा लग रही था बेले आज मध्य किछि जिले में वर्षा बार संभावना रही है एने पानीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करिछे तबे सेहि सबु जिलागुड़िक हूँ बरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुल केन्दुझर मयूरभंज जाजपुर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा और जगत सिंहपुर एसबु जिले में प्रबल वर्षा हो पाए एने सतर्क सूचना जारी करिछि पानीपाग विभाग देखा प्रवृत्ति खबर नासा कैमेरा रे विक्रमर फटो चंद्रपृष्ठ विक्रमर फटो उठाइला अमेरिका स्पेस एजेंसी दक्षिण मेरू रे लैंडर विक्रम अवतरण समय फटो कैद अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा भारत चंद्रयान 3 रो विक्रम लैंडर फटो उत्तोलन करिछि निज सोशल मीडिया हैंडल रे फटो ट्वीट कर सूचना देछि नासा एही फटो सही समय रे जेतेबेले विक्रम सफलता सह चंद्रर दक्षिण मेरू रे अवतरण करथिला ए फटो को नासा रा लुनार रेकनासियंस आर्बिटर बा LRO उठाई देखा प्रवृत्ति खबर गणेश पूजा हेबो नुआ संसद भवन शुभारंभ 18 तारीख में पुराणा संसद भवन में चलो स्वतंत्र अधिवेशन गणेश पूजार कार्यक्रम हेबो नुआ संसद भवन आसंता 18-22 तारीख पर्यंत चलो संसदर स्वतंत्र अधिवेशन 18 तारीख में पुराणा संसद भवन में स्वतंत्र अधिवेशन हेबो यापर 19 तारीख रु 22 तारीख पर्यंत नुआ संसद भवन में स्वतंत्र अधिवेशन चलो नुआ संसद भवन कार्यक्रम हेबा परे पुराणा बिल्डिंग को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बा गणतंत्र संग्रहालय को करा जीवो तबे मे 28 तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ संसद भवन उद्घाटन करते 973 कोटी टंका खर्च कर 29 मासरे एही नुआ बिल्डिंग को तैयारी कर देखा परवर्ती खबर प्रेमपाई धर्म बदलाइले नयनतारा जवान आक्ट्रेस नयनतारा प्रेमपाई धर्म बदलाइले नयनतारा तबे शाहरुख खान का फिल्म जवान सेप्टेम्बर 7 तारीख आज सारा विश्व में बड़ परतारे रिलीज हो जाए फिल्मर आडभांस बुकिंग बेस अधिक होता आज देशर प्रत्येक सिनेमा हॉल बाहर किंग खान को फैन को भिड़ देखा मिलू सहित बर्तमान फिल्मर समस्त स्टार कास्ट अच्छा हेडलाइन तालिकार सिनेमा स्टार अभिनेत्री नयनतारा सामिल अच्छा तेज अभिनेत्री नयनतारा निजर व्यक्तिगत जीवन और प्रेम जीवन को नहीं पूर्व चर्चा में रही तेज चलतु यही अभिनेत्री विषय जाणी किसी अधिक कथा कर्णाटक बेंगालुरु रे जन्मित नयनतारा को आज तारीख में कौन परिचय आवश्यकता नहीं तेरे प्रकृत नाम हूँ डायना मारियम कुरियन
ଏବଂ ସେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ନୟନତାରା କେବେ ବି ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ମଡେଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାଥିଆନ ଆନ୍ଥିକାର୍ଡ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ନୟନତାରାଙ୍କ ଜୀବନ। ସେ ସିନେମା ଜଗତରେ ପାଦ ରଖିବା ପରେ ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ବୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ନାମକୁ ନୟନତାରା କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସନାତନ ଧର୍ମ ଏଚ୍ଆଇଭି ଭଳି ଉଦୟ ନିଧିଙ୍କ ପରେ ଏବେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଡିଏମ୍କେ ଏମ୍ପିଆ ରାଜା। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେହିପରି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏମ୍କେ ଏମ୍ପିଏ ରାଜା। ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟନିଧି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଏ ରାଜା ଏଚ୍ଆଇଭି ଭଳି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଡିଏମ୍କେର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଉଦୟନିଧି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳେ ତ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଏକ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ବୈଠକ ଡାକି ମୋତେ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତ ମୁଁ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବି ସନାତନ ଧର୍ମ କ'ଣ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଷ୍ଟାଲିନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମାନତା ବିରୋଧୀ, କିଛି ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ମୂଳପୋଚ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଡେଙ୍ଗୁ, ମଶା, ମ୍ୟାଲେରିଆ କିମ୍ବା କରୋନାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ମୂଳପୋଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଆମକୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଲୋପ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଘୃଣାତ୍ମକ ବୟାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖିବାରୁ ଖବର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ମାଗଣା, ବିଏମ୍ସି ମେୟରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଜି ଇ ବସ୍ ଓ ଇ ରିକ୍ସାରେ ଯାତ୍ରା ମାଗଣା। ତେବେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇ ବସ୍ ଓ ଇ ରିକ୍ସାରେ ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରୁଟ୍ର ଇ ବସ୍ ଓ ଇ ରିକ୍ସାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ବସ୍ ସେବାରେ ଇ ବସ୍ ସେବାକୁ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ଗତବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୋ ବସ୍ ସେବା କ୍ରୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଇ ରାଇଡ୍ ଇ ରିକ୍ସା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୋ ବସ୍ ସେବାରେ 200 ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ବସ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ, ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦଲାଲା। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କୁନି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁଠାରୁ ସହର, ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ ଘରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ। ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପରେ ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିଝୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ବୁଧବାର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲିକ୍ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ଯବାନ। ପ୍ରଥମ ଶୋ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହେଲା ଯବାନ ଫିଲ୍ମ। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଏବଂ ନୟନତାରାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ର ଫିଲ୍ମ ଯବାନ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବା ପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଅଟଲି କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ୍ ଦୁବାଇର ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ ପଠାନ ପରେ ଏବେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବ ଯବାନ, ଯାହା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଖରାପ ଖବର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ପାଇରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଯବାନର ପ୍ରଥମ ଶୋ ଶେଷ ନ ହେବା ଆଗରୁ ଏହା ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପାଇରସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ମାନ୍ଦା କହିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୋଲିବ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୋଲିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାନ୍ସର କେୟାର ସେଣ୍ଟର, ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା। ତେବେ କଟକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।
तेणु क्यानसर रोगी मैंने चिकित्सा पर दीर्घ समय धरी अपेक्षा करते तबे यही समस्या को दूर करने राजधानी कैपिटल हॉस्पिटल ने अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापन नहीं जोरसोर प्रयास आरंभ हो। सूचना मुताबक एथे 50 सज्जा रही पखापाखि 50 कोटी टंका खर्च हो। कैपिटल हॉस्पिटल ने प्रस्तावित कैंसर केयर सेंटर पर 2022 मसीहा एप्रिल मासरु अनुमोदन मिलता तबे गुरुग्राम एक संस्था यार निर्माण दायित्व नहीं बेले गत मार्च मासरु तार काम आरंभ हो। सेंटर को लेवल 2 कराई प्राथमिक पर्यायर प्राय 50 सज्जा रखा।